बांदा पुलिस ने आम जनमानस के खोए हुए 25 लाख रुपए के फोन बरामद किए हैं। बरामद किए गए फोन की संख्या 125 है। खोए हुए फोन पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। बांदा पुलिस अधीक्षक ने इस सफलता का श्रेय पूरी टीम को दिया। बता दें कि पर्सनल यूज होने वाले वस्तुओं में सबसे ज्यादा खोने वाला सामान मोबाइल है। बड़ी संख्या में लोगों का मोबाइल गिर जाता है या चोरी द्वारा खींच लिया जाता है, कहीं रख करके भूल जाते हैं। ऐसे में लोगों को कई बार तगड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल की अगुवाई में SOG व कई थानों की पुलिस टीम ने खोए हुए मोबाइलों को तलाशने के लिए अभियान चलाया। सर्विलांस के माध्यम से मोबाइल तक पहुंचे। इस तरह से कुल 125 मोबाइल बरामद हुए, जिनकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है। इसके बाद मोबाइल स्वामियों को बुलाकर उन्हें मोबाइल सौंप दिए गए। मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने पुलिस की प्रशंसा की तो दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने इसे अपनी पूरी पुलिस टीम की सफलता बताया। क्या है मामला? देखिए, लगभग 125 मोबाइल जो हैं, इनकी कीमत लगभग मार्केट में 25 लाख की है। ये हमारे जनपद बांदा से विभिन्न लोगों के विभिन्न कारकों में खोए थे। इसके लिए आप सभी जानते हैं कि एक विशेष टीम जो हमारी साइबर सेल और एवं जो सर्विलेंस की SWAT की टीम है, ये लगातार इन पर काम करती रहती है। जब भी जैसे मोबाइल चोरी होता है, गिर जाता है, तो कुछ दिन बंद रहता है, उसको कोई उठा लेता है, किसी दुकान पर बेच देता है, और जो कस्टमर होता है जो उसको परचेज करता है, उसको कई बार नॉलेज नहीं होती, उसको फर्जी बिल दिखाते हैं कि ये सेकेंड हैंड मोबाइल है, और हालांकि वो चोरी का या गिरा हुआ मोबाइल होता है, इसको बेच दिया जाता है। तो उसमें लगातार जब टीम सर्विलेंस में काम करती है तो इन सबको बरामद करती है, उसमें संपर्क करती है लोगों को, क्योंकि जो कस्टमर होता है जिसको जानकारी नहीं होती और वो फर्जी बिल के ऊपर उसको सच्चा मानते हुए कार्रवाई करके उसको खरीद लेता है, तो उसके ऊपर इसलिए हम दंडात्मक कार्रवाई नहीं करते, अगर वो अपना मोबाइल लुटा देता है ये बता के कि साहब हमें जानकारी नहीं थी, हम तो परचेज किए थे। जो दुकानें हैं उन सबको नोटिस इशू करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं, मुकदमे भी लिखते हैं, जो इस तरह का सेकेंड हैंड मतलब मोबाइल दिखा के, हालांकि ये चोरी का या गिरा हुआ मोबाइल है, उसको बेचते हैं। और आज सभी लोगों को हमने बुलाया भी है, 125 लोगों को जिनके मोबाइल हो गए थे, गिर गए थे, और सभी को आज ये मोबाइल उनको वापस दिया जा रहा है। और लगातार ये अभियान पहले भी चला था, उसमें भी बहुत सारे मोबाइल रिकवर हुए थे, और फिर से चलाया गया है, और आने वाले समय में और भी जितने खोए हुए मोबाइल हैं जनपद के, उसमें पूरा प्रयास रहेगा उनको बरामद करना। सर, कितनी कीमत के ये मोबाइल हैं और क्या कुछ गिरफ्तार भी हुए क्या? इसमें लगभग 125 मोबाइल हैं जो 25 लाख के हैं। तो प्राइमा फेसा जो हमने अभी जितने लोग से संपर्क हुआ हमारा, जिनको नॉलेज नहीं थी, उनसे मोबाइल बरामद किए हैं। कुछ 3-4 शॉप्स हमारे जो विभिन्न अलग जनपदों में हैं, जहाँ पे जो चोरी का या गिरा हुआ मोबाइल परचेज करती हैं, उनको हमने कार्रवाई करने के लिए नोटिस इशू कर दिया है। सभी पे मुकदमा पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की। सर, ये अभियान और भी चलेगा या बस? लगातार अभियान चलेगा, जितने ऐसे मोबाइल हैं उनको बरामद किया जाएगा, ठीक है, और उनको जो उनके ओनर्स हैं उनको वापस दिया जाएगा, ताकि इस तरह की कोई भी गतिविधि चोरी के सेकंड हैंड मोबाइल इस तरह से बेच के उसको गलत तरीके से मार्केट में ना चले। सर, इस टीम में कितने लोग शामिल थे सर, जो खुलासा किया है, और क्या इनाम दिया गया है? इसमें दो तरह से टीम हमारी काम करती है, हमने दो टीमों को अलग अलग लगा रखा है। एक साइबर सेल हमारा काम करता है, साइबर थाना जो प्रभारी है इंस्पेक्टर साहब उनके नीचे काम करता है, इसी प्रकार जो हमारे सर्विलेंस के SWAT के प्रभारी हैं उनके नीचे टीम काम करती है। लगातार टीम दोनों टीमें पैरेलली काम करती रहती हैं। कुछ मोबाइल फोन्स पे साइबर सेल काम करता है, और कुछ जो शिकायती पाता मतलब मेरे ऑफिस पे आते हैं उस पर सर्विलेंस की टीम SWAT की टीम काम करती है। तो दोनों टीम मिलकर ये बरामद की, इनके द्वारा की गई 125 मोबाइल। सर, इनाम भी तो कुछ दे, टीम को पूरी दोनों टीमों को मिला के मेरी तरफ से 25,000 का इसमें इनाम दिया जा रहा है, ताकि इतने लोगों को आज मोबाइल वापस हो रहा है, और टीम ने लगातार प्रयास किया है, सबसे संपर्क किया है, और जाके भी इनको रिकवर किए हैं, तो इसमें मेरी तरफ से भी टीम को इनाम दिया जा रहा है। NTV Time, जनता की बात, जनता के साथ।